बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पहले 15 मिनट तक गुरु के स्वरूप का ध्यान किया करें, फिर सुमिरन आरंभ करें और यदि अंतर में गुरु का स्वरूप या कोई तारा दिखाई दे तो उसी पर ध्यान टिका लेना चाहिए। यदि कुछ भी दिखाई ना दे तो अंतर में अंधकार को देखते हुए ही सुमिरन करना चाहिए, अपने ध्यान को एकत्रित करना चाहिए। जब अंतर में द्वार खुले तो सुमिरन नहीं छोड़ना चाहिए, ध्यान तीसरे तिल पर रखना चाहिए। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, जब द्वार खुलना शुरू होता है तो अंतर में कई प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। परिणाम यह होता है कि अभ्यासी सुमिरन को छोड़कर दृश्य देखने लग जाता है। यह गलत है। जब कोई दृश्य दिखाई दे तब ना तो सुमिरन छोड़ना चाहिए और ना ही अपने ध्यान को तीसरे तिल से हटने देना चाहिए। तब शरीर पूर्णतया खाली होगा और अभ्यासी अंतर में टिक सकेगा, तभी असल स्वरूप के दर्शन हो सकेंगे। शरीर की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, एकाग्रता बनाए रखें। सूरत को बाहर के पदार्थों से हटाकर अंतर में लगाना जरूरी है। प्रसन्नता की अनुभूति एकाग्रता का चिन्ह है, परंतु शरीर स्थिर होना चाहिए। सारा ध्यान और चेतन शक्ति का रुख तीसरे तिल की ओर होना चाहिए, शरीर की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर कोई गति हो तो उसे ना होने दे। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि वह अभ्यासी बड़ा भाग्यशाली है जिनको अंतर में गुरु के स्वरूप की झलक दिखाई देती है। जब आप सूरत को अधिक दृढ़ता से टिका पाएंगे तो आप अंतर में गुरु के अधिक से अधिक स्पष्ट तथा पूरे दर्शन कर सकेंगे। ध्यान को तीसरे तिर पर टिकाना है और ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन करते हुए हमें वह लक्ष्य हासिल करना है। हमें अपने शरीर को एकाग्र करना है और मन को एकाग्र करना है और लगातार भजन सिमरन करते रहना है ताकि हम अपने मनुष्य जन्म का लाभ उठा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा हमें भजन सिमरन करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।